चैप्टर 3 मैथ्स प्राची बुक असाइनमेंट है आपके 3.1 क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर एज सम ऑफ ऑड नंबर्स। तो बच्चों आपको एक नंबर दिया है यहाँ पर 100, इसका फर्स्ट पार्ट है और आपको पता होना चाहिए कि 100 किसका स्क्वायर है। तो हमें क्या करना है बच्चों, 10 का स्क्वायर है ना, ये तो आपको मालूम है। तो हमें 10 ऐसे ऑड नंबर लिखने हैं जिनका सम जो है वो 100 आ जाए, ठीक है। तो किस तरह से आएगा, हमें क्या करना है, विदाउट स्किप यानी कि कंटिन्यूसली वन बाय वन, जिसे कंसेक्यूटिव नंबर बोलते हैं, एक के बाद एक जो हमारा ऑड नंबर आएगा उसको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। और कितनी बार करेंगे, 10 टाइम्स करेंगे, क्योंकि हमें 10 ऑड नंबर चाहिए। तो लिखेंगे 1+3+5+7+9+11 फिर +13+15+17 और +19, ठीक है। अब गिन लीजिए कितने नंबर आएंगे, 10 नंबर होने चाहिए ऑड नंबर, ठीक है, क्योंकि 10 का स्क्वायर होता है 100। तो हम काउंट कर लेते हैं एक बार, तो ये 10 नंबर्स हैं, आप इनका टोटल करोगे तो बच्चों 100 ही होगा, ठीक है। हमें इस तरह से लिखना है कि हम इसका अगर सम करें तो 100 हो, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे, बस इसको इसी तरह से लिख के दिखाना है। बस आपको मालूम होना चाहिए कि इस नंबर का स्क्वायर रूट क्या है और ये किसका स्क्वायर है, इतनी नॉलेज होनी चाहिए, तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। 10 का स्क्वायर होता है 100 और 100 का स्क्वायर रूट होता है बच्चों 10, ठीक है। तो इस तरह से 10 नंबर्स ऑड नंबर्स लिख देंगे और प्लस का साइन लगा देंगे, ठीक है। इस तरह से इसको कर लोगे। इसी का सेकंड पार्ट है बच्चों, तो इसी का सेकंड पार्ट है बच्चों 49, ठीक है। तो 49 7 का स्क्वायर होता है, ठीक है, 7 × 7 होता है 49। अब हमें 7 नंबर्स लिखने हैं, 7 ऑड नंबर्स जिनको ऐड करने पर उसका टोटल 49 आ जाए, ठीक है। तो किस तरह से लिखेंगे बच्चों, लिखने का तरीका यही है, कंसेक्यूटिव नंबर यानी ये एक के बाद एक जो नंबर आता है वो लिखना है, 1+3+5+7+9+11 और +13। तो आप नंबर काउंट कर लो, ये 7 नंबर्स हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर इन नंबर्स को हम टोटल करेंगे तो 49 हमारे पास आ जाएगा, ओके। अगला इसका पार्ट है बच्चों, थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट है 81। अब आपको पता है कि 81 जो होता है वो 9 का स्क्वायर होता है, ठीक है, 9 × 9, ठीक। अब तो इसका मतलब है कि अगले जो हमने नंबर लिखने हैं वो कितने होने चाहिए, 9 होने चाहिए ऑड नंबर। तो लिख दो 1+3+5+7+9+11+13+15 1 2 3 4 5 6 7 8, एक नंबर और चाहिए, लिख दो 70, ठीक है। तो ये नंबर अगर आप टोटल करोगे तो इसका टोटल आ जाएगा बच्चों 81, ठीक है। तो ये इस तरह से ही करके आपको दिखाना है, बस इतना ही इसका आंसर है, ओके।